Hello friends, welcome to Jeet Academy, and today we will revise the fourth chapter of science class 10, that is carbon and its compound. Let's start. Chapter name is carbon and its compounds, जिसका हम लोग आज quick revision करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं क्या है. सबसे पहले introduction की बात करते हैं. तो elements carbon is non-metals. जो carbon है एक तरह का non-metal है, जिसको अधातु बोलते हैं. और its symbol is capital C. और इसका सिंबल होता है सी. कार्बन इज वर्सटाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इज 0.02% एंड एटमॉस्फेयर एज CO2 इज 0.03%. कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है. वर्सटाइल मतलब होता है बहुउपयोगी. कहने का मतलब इसका बहुत सारा हमारे लाइफ में उपयोग है. तो ये एक तरह से वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% प्रेजेंट है. ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स. जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, वो सारे के सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं, यानी कि उनमें कार्बन रहता ही रहता है. ओके उसके बाद देखते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं. तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. उससे पहले हम लोग कार्बन में देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर देखें तो टोटल 6 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है. तो एटॉमिक नंबर का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यहाँ से के सेल में 2 एलिमेंट रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा. इस तरह से अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना हो तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा. इसलिए इसका वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो वैलेंसी इसका 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है. अब देखते हैं ये अपना जो ऑक्टेट कैसे पूरा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउ कार्बन अटेन्स नोवल गैस कन्फिग्रेशन. नोवल गैस, नोवल गैस मतलब क्या होता है, जिसका ऑक्टेट पूरा होता है या तो ड्यूएट पूरा होता है, उन सभी को नोवल गैस बोला जाता है. ठीक है, तो ये कार्बन कंपाउंड जो है ये कैसे अपना ऑक्टेट को पूरा करता है. तो पॉइंट्स लिखा हुआ है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट. टेट्रा मतलब 4 होता है और वैलेंट मतलब वैलेंसी होता है. तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, इस कारण से इसको टेट्रावेलेंट बोला जाता है. इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय इधर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए ये क्या होता है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है. जिसमें हम लोग थर्ड चैप्टर में देखे तो नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे. तो ये जो है कार्बन जो है ना तो आयनिक कंपाउंड्स बनाता है ना तो आयनिक बॉन्ड बनाता है. अब देखिए क्यों नहीं बनाता है, उसका रीज़न यहाँ पे है. रीज़न क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन. अगर देखिए सबसे पहले अगर ये गेन करता, ठीक है, अगर ये गेन करता जिसपे C4- चार्ज आता, तो ये गेन करता तो इसके इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए इलेक्ट्रॉन अगर 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, अगर गेन करेगा तो और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 6 × 4 = 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. प्रोटॉन इनके पास 6 ही रहेगा, इस कारण से ये क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को मतलब कि हैंडल करने में, उसको होल्ड करने में. तो इस कारण से ये गेन नहीं कर सकता. अगर लूज करता है तो लूज, अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन अगर लूज करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है, मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ये लूज भी नहीं करता. तो एक नया रास्ता निकालता है, ये क्या करता है, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का, ये शेयर करता है. कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम्स और विथ अदर एलिमेंट एंड अटेन नोवल गैस कन्फिग्रेशन. तो ये क्या करता है, शेयरिंग करके अपना जो नोवल गैस कन्फिग्रेशन होता है, अपना ऑक्टेट जो होता है पूरा करने का काम करता है. तो इसमें लूज या तो गेन का कोई चक्कर नहीं होता.
Second point bolta hai, the atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also form bonds of sharing of electrons. देखिए ये तो compounds हुआ ना carbon, तो carbon तो अपना sharing करके चलाता है, covalent bond बनाता है. उसी similar way में जो hydrogen है, hydrogen H2 के format में रहता है, oxygen O2 के format में रहता है, या तो O3 के format में रहता है, और जो nitrogen होता है आपका N2 के format में रहता है. ये सब अपने molecule जब बनाते हैं तब ये शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं. देखेंगे आगे एग्जांपल्स क्या होते हैं. अब देखिए द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड. अगर कोई बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, लूज करके और गेन करके नहीं, शेयर करके इलेक्ट्रॉन को बना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड जब बनाता है तो उस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड. अब देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो है H2 फॉर्मेट में है, कभी भी हाइड्रोजन H में नहीं रहता है, ये जब भी रहता है ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है. तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसका वैलेंसी 1 होता है, तो ये शेयर करके आपका हाइड्रोजन एटम्स नहीं, ये इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है H2, ठीक है. तो एक का जब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है. उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्मेट में होता है, तो O2 के जो फॉर्मेट में ऑक्सीजन है तो यहाँ पे देखिए ये दो दो इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल होता है ना ऑक्सीजन का क्या होता है, लास्ट में 6 होता है, यानी कि वैलेंसी 2 होता है ऑक्सीजन का. तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये शेयर करता है, इस कारण से इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और वही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्मेट में रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स, दो एटम्स जब कंबाइन करता है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये मॉलिक्यूल्स है आपका, ठीक है. तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, क्योंकि नाइट्रोजन में वैलेंसी का 5 होता है, सॉरी वैलेंसी 3 होता है, ठीक है. तो इस कारण से ये क्या होता है, ये 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है. अब यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बताया, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन नहीं, ये वाटर के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, H2O को बताया, H2O को बताया है, इसको कैसे डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे बनाया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा आपका, ठीक है. तो इस तरह से आपका H2O बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मेनली 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है. अब आगे देख लेते हैं क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का देखेंगे. हम लोग जो जो आयनिक कंपाउंड जो थे उनका हम लोग सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को होता है क्या होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होता है, वो सारा हम लोग डिस्कस कर लिए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स में. तो अगर आपने अभी तक मेटल्स और नॉन मेटल्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे, नहीं तो आप पहले से पढ़ चुके भी हैं, ठीक है. तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या है. पहला जो है बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब देखिए जो शेयरिंग करके बनाते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इस कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है. दूसरा क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस कारण से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो सकता, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, कोई चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस कारण से इसको बोल सकते हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो मेनली दो प्रॉपर्टीज इसका देख लेना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लेस होता है इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ओके, अब देखेंगे हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स का, मिलियंस में कार्बन कंपाउंड्स हमारे अर्थ क्रस्ट पे हैं. तो ऐसा क्या है इसके पास, ये क्या प्रॉपर्टीज ऐसा है इसके पास कि इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स बने हुए हैं. तो अब देखिए इसका दो मेनली जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, वर्सटाइल प्रॉपर्टीज जिसको बोला जाता है,
बहु उपयोगी जो बोलते हैं ना, मतलब कि उपयोगिता इसका ज़्यादा क्यों है। तो इसके पास दो प्रॉपर्टीज़ है, पहला तो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ है और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि ये कार्बन कार्बन चेन बनाता है, बहुत ही लॉन्ग चेन बनाते जाता है, एक कार्बन से दूसरा जुड़ता है, दूसरा से तीसरा, ऐसे करके कार्बन कार्बन बहुत सारे चेन बनते जाते हैं कार्बन कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होने के कारण बहुत सारे कार्बन जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ते जाते हैं, तो इस तरह से इसका संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और सेकंड नंबर है टेट्रा बैलेंसी, इसके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की अगर बात करें तो इसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखिए मोनोवैलेंट भी जुड़ सकता है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और सल्फर भी जुड़ सकता है, तो ये सारा इसके साथ जुड़ सकता है और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, तो इस कारण से इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स का संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो दो याद रखना है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, और सेकंड वन इज टेट्रा बैलेंसी। कैटेनेशन मतलब सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, टेट्रा बैलेंसी मीन्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे दूसरे एटम्स के साथ क्या करता है, ये कंबाइन करके न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बारे में बात करते हैं, होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, उन सभी को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, यानी कि द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। दे आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर देयर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सबसे पहले बात करते हैं, सैचुरेटेड हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, या उसको जनरली बोला जाता है अल्केन्स बोला जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ कार्बन्स को दर्शाता है, एन जो है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर डबल बॉन्ड वाला की बात करते हैं, एक डबल बॉन्ड वाला होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, डबल बॉन्ड वाले को अल्किन्स बोला जाता है और जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन्स बोला जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। यानी कि हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पूरे दोनों के दोनों कैटेगरी को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं क्या क्या है। डॉट स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये क्या है, दो कार्बन है, इसको हम लोग बोलेंगे इथेन, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बैठेगा, दो कार्बन है तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, ये दो कार्बन होगा हाइड्रोजन, 2 × 2 रखेंगे या फिर प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि C2H6 आपका बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे इथेन। अब देखिए इथेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो हाइड्रोकार्बन से दो कार्बन से इस कारण से इथेन बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट करके रखा है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक कार्बन सिर्फ रहेगा चेन में तो उसको मिथ लगाएंगे उसमें, और उसमें NEN ये सब कुछ भी लगाएंगे, जैसे अल्किन्स वाला ग्रुप जो है ना लास्ट वाला लगाएंगे, ठीक है। इथेन है, दो रहेगा तो इथ लगाएंगे, तीन रहेगा प्रोप लगाते हैं, चार रहता है तो आपका ब्यूट लगता है, पाँच है पेंट, छः है सिक्स हेक्स एंड सेवन है हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट का एट है तो ऑक्ट लगाते हैं, एन का नॉन लगाते हैं, और टेन रहता है तो डेक लगाते हैं, इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो दो कार्बन है, सबसे पहले क्या किया गया है, कार्बन को दो कार्बन को पहले जोड़ लेना है, उसके बाद इस तरह से ऐसे कर देना है, ठीक है, सभी में आप H और H जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल H कितना लेगा, 6H लेगा, तो यहाँ पे C2 और H6, यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है, इस कारण से इसका नाम भी इथेन है। अब ध्यान रखना है कि जो इथेन वाला जो अल्केन ग्रुप है उसमें ये AN ही लगता है, और EN ही लगता है आपका अल्किन ग्रुप में, और YNE जो होता है ये लगता है आपका अल्काइन ग्रुप में। तो ये सब सिंपल सा चीज़ है जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये सारा
कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन जिसमें है ना, जिसको मिथेन बोलते हैं, CH4, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया है। इथेन है, दो कार्बन रहेगा उथेन कहेंगे, तीन कार्बन रहेगा उसको प्रोपेन कहा जाएगा, और जिसका फॉर्मूला C3H8 हो जाएगा। चार रहेगा ब्यूटेन कहेंगे, पाँच रहेगा पेंटेन कहेंगे, उसी तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। अब उसके बाद इथिन की देखते हैं, तो इथिन में C2H4 होता है, ठीक है ना, C2H4। अब इसको हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसको इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन के लिए बताया है, और ये इथिन का है तो डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको और अगर टेबल में देखें तो अल्किन ग्रुप का कैसे बन रहा है, तो इथिन का C2H4 है, यानी कि फॉर्मूला वो जो CnH2n जो था ना, तो वो फॉर्मूला पे रखा गया, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोपीन में इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और ब्यूटीन में आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। इसको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर आपका एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए अल्काइंस, अल्काइन ग्रुप में आप C2H2 है, जिसमें माइनस कर देते हैं ये वाला फॉर्मूला CnH2n, यहाँ पे क्या हो जाता है CnH2n-2 लगाते हैं, इस फॉर्मूला पे रखा गया है, तो इसका फॉर्मूला सबका बना है। एन का वैल्यू कार्बन से रिलेट करेंगे, ब्यूट है तो चार कार्बन यहाँ पे रहेगा, उसका फॉर्मूला कर लेंगे, चार दोना आठ में से दो घटा कितना हो गया, सिक्स हो गया ना, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखिए कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये तो हम लोग देख लिए उसका फॉर्मूला पे, मतलब बॉन्ड्स के आधार पे कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग बोले कि दो तरह के हो गए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उनको हाइड्रोकार्बन से बोले क्योंकि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे होते हैं, तो सबसे पहला जो बताया है स्ट्रेट या तो अनब्रांच चेन, देखिए इसमें कार्बन सिर्फ स्ट्रेट में जुड़ा है, सीधे सीधे जुट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन या तो अनब्रांच चेन, इसमें कोई ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे ये ब्रांच है, जिससे सीधे सीधे जा रहा था ये कार्बन, यहाँ पे ब्रांच एक लग गया है, यहाँ पे भी देखिए सीधे जा रहा है, इधर एक दो ब्रांच लग गया है, तो इस तरह के अगर कंपाउंड्स बनते हैं तो उसको ब्रांच बोलेंगे। पेंटेन में यहाँ पे देखिए ये आपका सिंगल है, इसमें इसमें आपका ब्रांच लग गया है, इसमें भी आपका ये ब्रांच है, इसमें भी ब्रांच आपका लग गया है। तो उसके बाद क्या होता है, करा है कि यहाँ से देखिए अगर एक के कंपाउंड्स है, दिस थ्री एवब कंपाउंड्स आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम था, ठीक है, पेंटेन में क्या था आपका, पेंटेन में C5H10 था, C5 और H10 था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत सारा हुआ, यानी कि अगर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसका अगर डिफरेंट हो तो इन सब को आइसोमर्स बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाता है, और इस फेनोमेना को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाता है, और जब जिस फेनोमेना से ये बनता है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। और क्या बना सकता है, तो तीसरे तरह से बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है। यहाँ देखिए ये है साइक्लिक सैलुटेड, क्या है इसको बोल दिया है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सैचुरेटेड इसको बोला गया है, छूट गया, और ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। और C6H12 जिसको हेक्सेन बोला गया है, और ये है बेंजीन का फॉर्मूला, डबल बॉन्ड लगा, सिक्स ही कार्बन है, तो इसमें डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड जब लग जाता है तो ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 11th चैप्टर में भी इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, तो इससे समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज, दीज आर हेट्रो एटम्स। अब देखिए जो कार्बन चेन्स होता है उसमें हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके उसके जगह पे कुछ और एटम्स को जोड़ा जाता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे मीथेन है, तो ये
क्या हो गया, यहाँ पे एच 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 और यहाँ पे एच के जगह पे सी एल लगाए, तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरोमीथेन बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सी एल है इसको हेट्रो एटम्स बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, तो हम लोग देखेंगे क्या है कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, और ये लग जाने से क्या होता है उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है, और यानी कि यही हेट्रो एटम्स उसका प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने लगता है, इस कारण से इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन को चेंज कर देता है। जैसे क्लोरीन लग गया ना तो क्लोरोमीथेन अब कहलाएगा, उसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मीथेन से डिफरेंट हो जाएगा। उसी तरह से और भी हम लोग कुछ यहाँ पे ग्रुप देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन 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 से हैं। तो ये क्लोरीन ब्रोमिन को, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, क्लोरोब्रोमो, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन भी लगता है, आयोडो जिसको बोला जाता है। तो ये क्लोरीन, ये तो हेलोजन ग्रुप हो गया एक, तो ये भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप। उसके बाद ऑक्सीजन का चार फॉर्मेट आता है, एक तो होता है अल्कोहल ग्रुप आता है, एक अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अब यहाँ से देखिए जो अल्कोहल होगा उसमें OH ग्रुप लगेगा, ठीक है, और अल्डिहाइड रहेगा तो इसमें CHO जैसे लगा हुआ है, ठीक है, तो CHO लगेगा। और यहाँ पे कीटोन में CO लगेगा, और यहाँ से देखिए आपका दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, COOH लगता है, यहाँ से जुड़ता है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इस तरह से याद रखना है कि अल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन और हैलोजन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एक तरह से हाइड्रो एटम्स है जो मतलब कि हाइड्रोजन को हटा करके रिप्लेस करके उसके जगह पे जुड़ जाएगा और दूसरे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देगा, उसका फंक्शन चेंज कर देगा, इस कारण से इसका नाम भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगता है, अल्कीन, अल्काइंस, ये भी एक तरह से इसको भी फंक्शनल ग्रुप में ही डाल दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं। अब एक और प्रॉपर्टीज आता है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं एक टर्म आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो होमोलोगस सीरीज एक तरह से अरेंजमेंट होता है, जैसे हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में हम लोग देखे थे ना कि जो सीरीज होता है रिएक्टिविटी सीरीज जिसको देखे थे उसमें अरेंज किया गया था, यहाँ भी कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, कुछ सेम टाइप ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जुटता है, और दोनों के बीच में अगर देखिए दो के बीच में, अगर ये दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा आपका CH2 का डिफरेंस आएगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 14 का, जैसे कार्बन का कितना हो गया 12 और हाइड्रोजन का 14, यानी कि 14 का डिफरेंस आता है। दो साइमल्टेनियस जो होता है, मतलब कि जो दो जो लगातार क्या होगा जो एटम्स आएंगे, तो इस तरह से सबको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो यहाँ से इनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। इसका डेफिनेशन बताया, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्सिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम अगर रहता है तो इसको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। याद रखना यहाँ पे CH2 का डिफरेंस होगा दो कंजुकुटिव मतलब कि कंपाउंड्स के बीच का, ठीक है, और उसमें अगर एटॉमिक मास की बात करें तो 14 यूनिट होगा। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट सो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि कार्बन का कम वैल्यूज बढ़ते चला जाएगा ना इस तरह से, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका चेंज कराएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं सभी का, नोमिक्लेचर के लिए क्या क्या याद रखना है। तो पहला है कि आइडेंटिफाई करना है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स, ठीक है, उसका दूसरा है फंक्शनल ग्रुप उसमें जो लगा हुआ है उसको हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं, उसका टेबल भी बनाया है नीचे तो समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे मान लिए कि हैलोजन ग्रुप पहले फंक्शनल ग्रुप है, तो हैलोजन में प्रीफिक्स जुड़ता है, क्लोरो ब्रोमो और आयोडो जुड़ता है। जैसे यहाँ पे पहले देखें तो टोटल कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, तो ये 3 है तो प्रोपेन रहेगा और एक क्लोरिन लग गया है तो क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा, ठीक है। अल्कोहल वाले में OL लगता है, यानी कि जैसे यहाँ पे 3 कार्बन्स है तो प्रोपे लगेगा और प्रोपेन होगा, उसके साथ ई हटा करके यहाँ पे OL जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल कहलाएगा, ठीक है।
उसी तरह से अल्डिहाइड अगर रहता है तो उसमें अल लगता है, यानी कि जैसे तीन कार्बन के कारण प्रोपेन हुआ और उसमें से ई हटाएंगे और ए एल जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉल कहलाएगा। अभी अगर कीटोन की बात करें तो ओ एन ई लगता है, इसका लास्ट में सफिक्स लगता है, तो यहाँ पे फिर से वही प्रोपेन हो गया और ओ एन ई लास्ट में जोड़ दिया गया तो प्रोपेनोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहेगा तो उसमें ओइक एसिड जुटता है, ठीक है, ओइक, तो यहाँ पे प्रोपेन के कारण प्रोपेन हुआ और उसके साथ ओइक जुट गया तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। उसी तरह से ब्यूटेन अगर रहता ब्यूटेनोइक एसिड होता है, हेक्सेन रहता तो हेक्सेनोइक एसिड होता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। अल्केन वाले में क्या जुटता है आपका, तो ई एन ई जुट जाता है सफिक्स में, जैसे यहाँ से थ्री है तो प्रोपे प्रोप हुआ और उसमें ई एन ई जुट गया, प्रोपीन हो गया। अल्काइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस रहेंगे तो वाई एन ई जुटेगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ पे आया है तो प्रोप हो गया, उसमें वाई एन ई जुट गया, प्रोपाइन हो गया। तो इस तरह से नोमिक्लेचर किया करते हैं, पहले कार्बन का चेन देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेन देख लेते हैं, उसमें देखते हैं फिर फंक्शन ग्रुप क्या क्या जुटा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नोमिक्लेचर किया करते हैं। आई होप यहाँ तो क्लियर होगा ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए कार्बन कंपाउंड्स का, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है कम्बस्चन, यानी कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो कम्बस्टिबल इन नेचर होगा, वो जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको अगर जलाया जा रहा है तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है और हीट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कम्बस्टिबल होता है कार्बन, हमारा कम्बस्टिबल होता है, जिस चीज़ में प्रेजेंट रहेगा तो वो जलने वाला चीज़ होता है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी, तो इसलिए कार्बन को हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जब जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। और यहाँ से देख लीजिए उसके बाद फ्यूल्स के रूप में हो गया, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होगा वो जब जलेगा तो उसमें क्या होगा, ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम निकलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलेगा। तो अनसैचुरेटेड जब जलेगा जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा, येलो सूटी फ्लेम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर, तो यहाँ पे कार्बन का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में, इस कारण से ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, पूरी तरह से जल नहीं पाता है, इसलिए सूटी येलो सूटी फ्लेम फॉर्म करता है। तो पहला प्रॉपर्टीज तो हो गया कि ये कम्बस्टिबल होता है, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कम्बस्टिबल इन नेचर, वो जलेगा, फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है कि अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। अब देखिए यहाँ पे जो इथेनॉल है, इथेनॉल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनोइक एसिड में, कैसे, तो अल्कलाइन KMnO4 जिसको बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जब इसके साथ ऐड करता है तो इसको ऐड करके इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐड कर करके उसको न्यू फॉर्मेट में बना देते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं, तो ये समझ गए। उसके बाद तीसरा है एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पर अगर देखें तो ये है आपका डबल बॉन्ड, ये अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड तो इसको निकेल या पैलेडियम या तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं यानी कि रिएक्शन करवाते हैं तो ये सब क्या है, एक तरह से कैटलिस्ट का फॉर्म में काम करता है, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड को क्या बोल दिया, कर दिया सैचुरेटेड कर दिया, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया ला करके, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हो गया। यहाँ पे वही बात बताया है एक्सप्लेन करके कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स क्या करता है, ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे पैलेडियम निकेल एक्सेट्रा, जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स,
और इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल बोला जाता है, अनसेचुरेटेड से इसको सेचुरेटेड बनाया जाता है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, जैसे ये मिथेन हुआ CH4, इसको क्लोरीन के प्रेजेंस में अगर सनलाइट में अगर रखते हैं तो इसमें क्या बनता है आपका क्लोरोमिथेन बनता है, क्लोरोमिथेन और HCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो क्लोरीन था उसको एक मिथेन एक ले लिया और एक क्लोरीन को मतलब हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसमें से हट जा रहा है, इसमें से एक क्लोरीन हट जा रहा है, दोनों आपका आपस में HCl बना रहा है और यहाँ पे CH3Cl बन रहा है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे दो पढ़ना है आपको, इथेनोइक इथेनॉल के बारे में और एक इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कैसे बनता है और क्या क्या यूजेज है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल के देख लेते हैं। इथेनॉल कैसा होता है, कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल इसका होता है और बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है, ये इथेनॉल का प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल। दूसरा है कि इथेनॉल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जो भी इथेनॉल होते हैं वो सॉल्युबल होता है वाटर में और ये वोलाटाइल लिक्विड होता है विथ लो बॉइलिंग पॉइंट जिसका बोल सकते हैं 351 केल्विन होता है और ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ओके, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका। तो जो सबसे पहला है कि ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, बेन यहाँ से इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम इट फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस बर्न विद द पॉफ साउंड। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें H2 गैस कैसे निकल रहा है कैंडल ला करके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, देखिए यहाँ पे हॉट कंसेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसमें डालते हैं तो यहाँ पे आपका ये बन जाता है इथीन बनता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो तरह से प्रॉपर्टीज इसका, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है और एक होता है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अगर इथेनोइक एसिड की बात करें तो ये भी कलरलेस लिक्विड है जिसमें ये टेस्ट इसका सॉर होता है, खट्टा होता है, यानी कि एसिडिक होता है ये, और हैव अ स्मेल ऑफ विनेगर, ये विनेगर के जैसा महकता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 था, यहाँ पे 391 केल्विन यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा है। और वेन प्योर इथेनोइक एसिड इज फ्रीज, जब देखिए प्योर इथेनोइक एसिड जब फ्रीज कर जाता है इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। तो ये कलरलेस सॉलिड आइस जैसा दिखता है और इसको बोला जाता है ग्लेशियर एसिटिक एसिड, यानी कि जब प्योर फॉर्मेट में फ्रीज कर जाएगा तो सॉलिड बनेगा, क्यूब जैसा एकदम दिखेगा, इसको बोलेंगे ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कभी कभी कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें हम लोग इथेनोइक एसिड को, तो पहला प्रॉपर्टीज है एस्टेरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इथेनोइक एसिड को कंबाइन करते हैं इथेनॉल के साथ तो क्या बनता है आपका ईस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसका स्मेल स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इज फॉर्म्ड होता है, ठीक है, यानी कि इसका स्मेल स्वीट होता है। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए इस ईस्टर को फिर से अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH3COOH Na बनता है, यानी कि यहाँ से देख पाएंगे सैपोनिफिकेशन या तो सोप के फॉर्म, इसको सोप बोला जाता है, ठीक है, तो ये सोप के फॉर्मेट में बन जाते हैं और यहाँ से फिर इथेनॉल, ये है ये आपका क्या है इथेनॉल है, वापस आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से हम लोग देखें कि पहले इसको इथेनॉल के साथ किए तो ईस्टर बना, ईस्टर को फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिए तो फिर से आपका वही वाला चीज़ बन गया। तो स्टेरिफिकेशन समझ में आ गया, सैपोनिफिकेशन साबुन ये सब बनाने में प्रिपेयर करने में इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड है आपका रिएक्शन विथ बेस, जब हम लोग इथेनोइक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ किए तो क्या बना, एसीटेट बना CH3COCOONa और H2O का फॉर्मेशन किया, यानी कि सॉलिडिफाइड एसीटेट बना, ठीक है, सॉरी सोडियम इसको Na यानी कि सोडियम एसीटेट बना इसको,
थर्ड क्या है आपका, रिएक्शंस विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब यही जो है आपका इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट बन रहा है और यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे फिर से इसको अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी करें तो सोडियम एसीटेट बन रहा है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक तरह से एसिड है तो इसलिए ये साल्ट बना रहा है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जब हम लोग इसको बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब सोप और डिटर्जेंट। देखिए सोप जो होता है इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है, सोप इज सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। सोप जो होता है सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होता है। और डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डिटर्जेंट होता है बोथ हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है आपका इफेक्टिव होता है। एक सवाल भी आता है कि हम लोग क्या सॉप वाटर, मतलब कि हार्ड वाटर से हम, मेरे पास सॉप है, ठीक है, डिटर्जेंट है, अगर डिटर्जेंट से क्या हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर चेक किया जा सकता है, तो आंसर होता है नहीं होता है, नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से मिसल्स वगैरह के बारे में आपको बुक्स वगैरह में लिया, बुक्स में जो एनसीईआरटी का बुक्स मेन है, टेक्स्ट बुक में सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये शॉर्ट रिविज़न है तो इसमें ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे। कह रहा है कि सोप मॉलिक्यूल्स हैज़ आयनिक, जिसको पार्ट बोलते हैं, आयनिक पार्ट जो होता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, यानी, और एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होता है हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से दूर जाएगा, और ये हाइड्रोफिलिक मतलब लव टू वाटर, ये वाटर के साथ ऐड होगा। तो जब ये यही बात है, ये मिसल्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये इस तरह से क्या करता है, कोई अगर डेड पार्टिकल्स क्या बोलते हैं उसको, जब कोई डर्ट पार्टिकल रहता है तो उस पर मिसल्स का फॉर्मेशन इस तरह से कर देता है, ठीक है, और ये कपड़ा को साफ करने में काम आता है। जैसे यहाँ पे देखिए मिसल्स का फॉर्मेशन कैसे किया है, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप बताया है, कह रहा है कि मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। ये है आपका ऑयल डर्ट है, ठीक है, तो ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ विथ डर्ट। ये वाला जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोफोबिक जो है, ये आपका एसिड, मतलब कि यहाँ पे क्या, ये आपका डर्ट के साथ अटैच हो जाता है, और ये जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर में मतलब कि फ्लोट करते रहता है। जब हम लोग एजिटेट करते हैं कपड़े को, तो ये डर्ट को लेकर के पानी में घुल जाता है और पानी को हम लोग वापस मतलब कि उसको हटा देते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं, और इस तरह से कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो यही आप यहाँ पे बताया है, इसको रेडियल को इसको मिसल बोला जाता है। फिर नेक्स्ट बताया सोप मिसल्स जो होता है हेल्प टू डिजॉल्व डर्ट एंड ग्रीज इन वाटर एंड क्लोथ गेट्स क्लीन्ड। तो यही है, उसको डर्ट ये सब को वाटर में घुला देता है और इस तरह से कपड़ा ये सब साफ हो जाता है। जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कोल्ड स्कम। तो ये जो इनसॉल्युबल, उसमें जो इनसॉल्युबल फॉर्म बन जाता है उसको स्कम बोला जाता है। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लिनजिंग एक्शन बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट। इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विथ हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन इफेक्टिवली। इसलिए हम लोग सोप से हम लोग कपड़ा साफ नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो हार्ड वाटर में स्कम का फॉर्मेशन करता है, डिटर्जेंट ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए हम लोग ज़्यादातर डिटर्जेंट से ही कपड़े को साफ करते हैं, क्योंकि स्कम का फॉर्मेशन नहीं करता है। देखिए यहाँ तक ख़त्म हो गया, यानी कि इस चैप्टर का पूरा रिविज़न हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगा रखा है, तो आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा आपका एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ 15 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये सब सॉल्व कर लीजिएगा,
शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है करीब, और लॉन्ग जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ हिंट्स वगैरह है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इससे जो जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी का उसका सारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर जो भी है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और ये नोट्स को भी मैं पिनअप कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। उम्मीद है यह चैप्टर आपको समझ में आएगा, अगर चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल्स मैंने लिंक अप कर दिया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो लिंक चेक करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।